आप बिजनेस टूर का कहकर गए थे ना मलेशिया, कहाँ हैं आप? तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली? आपकी बीवी। बीवियों तो हद में रहो। मुझे अपनी हुदूद मालूम है फैजान, लेकिन शायद आप अपनी हुदूद भूल रहे हैं। बीवी के होते हुए किसी और लड़की के साथ। शट अप हादिया, ओके, जस्ट शट अप। मुझे शट अप कहने से कुछ नहीं होगा। जब पापा आपसे सवाल करेंगे ना कि कहाँ थे पूरी रात, फिर उनको जवाब दीजिएगा आप। कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तुम बताओ पापा को जाकर। तुम अगर बताओगी ना, तुम्हें पता नहीं मैं करूंगा क्या। बहुत बुरा होगा आदिया। एक लड़की का शौहर उसके होते हुए किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड करे, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ? आदिया, I'm warning you. तुम्हें बाबा को बताना है, बताओ तो जाके, लेकिन फिर देख लेना होगा क्या तुम्हारे साथ। ओके फैजान, हेलो, हेलो मामा, भादिया को पता चल गया कि मैं मलेशिया नहीं पहुंचा, तो प्लीज हैंडल हर। वो कह रही है कि वो बाबा को बता देगी, तो ये नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिएगा। ओके, मीटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जिस काम के लिए इसको भेजा था, 1% भी उसका रिजल्ट नहीं आया। वो नहीं बंद कर दिया मौसूफ ने कि राजी इसको ठीक ठाक ब्रीफ कर सकता था, लेकिन सर अभी तो आया है, जरा रेस्ट तो कर लेने दे इसे। कौन सा बायरोड आया जो थक गया आपका साहबजादा? अरे लग्जरियस सफर से लौटा है, और जो काम इनके जिम्मे सौंपा था उसे अधूरा करके लौटे, पूरा करके भी नहीं लौटा। और ये बताओ, तुमने तो जाने से पहले मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये करके आयो तुम। इससे अच्छा था कि मैं ये सब कुछ राजी के सपोर्ट करता। इतनी बड़ी डील थी, हाथ से निकल गई। डिसअपॉइंट किया तुमने बहुत ज्यादा। देख रही हो ना, बजाय कि इसको नदामत हो के इतना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा, कितनी ढिठाई से चला गया यहां से। काश ये सब कुछ मैं राजी के सपोर्ट करता, तो 100% मुझे इसका रिजल्ट मिलता। डिसअपॉइंट किया तुम्हारे बेटे ने मुझे। तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि मैं आ चुका? आपके आने का पहले से पता था। तो फिर खूबसूरत हो, क्या फायदा जब दिल में कोई और है। हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मेरी कुलीग थी, हम मीटिंग में थे, और मेरी एब्सेंस में शी पिक्ड अप योर कॉल, मैं रेस्टरूम गया हुआ था, एंड दैट्स इट। रात के 2:30 बजे किसी क्लब में मीटिंग थी आपकी? ओके, रमशा है, मेरी दोस्त है, जैसे और बहुत सारी। अच्छा, तो उसका नाम रमशा है जिसे आप माई लव कहकर डांस के लिए लेकर गए थे, और इसी माई लव को आप हर महीने लाखों रुपए भी भिजवाते हैं, तो बाकी फ्रेंड्स भी ऐसी हैं आप जिनको आप लाखों रुपए भिजवाते हैं और माय लव बुलाते हैं। यू नो व्हाट, मैं तुमसे एक्सक्यूज करना चाह रहा था, पर तुम इस काबिल ही नहीं। हाँ है वो मेरी दोस्त, दोस्त से बढ़ के, बल्कि सबसे बढ़ के। जाओ कर लो जो करना, बाबू को बताना है, बाहर बैठे, जाओ बताओ। पर एक लम्हे के लिए सोच लो कि इससे तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी पे क्या।
तलाक लेके जाओगी अपने घर अपने हैदराबाद में, तुम्हारा बूढ़ा बाप और तुम्हारी सादी माँ उन पे क्या कुछ रहेगी? और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, बड़ी बहन की तलाक हो जाए ना, छोटी बहन के रिश्ते भी नहीं आते। And I really want to replace you. मैं चाहता हूं तुम कुछ ऐसा करो कि तुम बाहर और रमशा इधर, तो जो करना जो कहना सोच समझ के कहना। अच्छा तो तुम हैदराबाद से आई हो, फिर हॉस्टल में रहोगी या किसी रिलेटिव? रिलेटिव से यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए हॉस्टल में ही रहूंगी। तुमने कॉलेज में टॉप भी किया है ना? हाँ, यानी तुम हमें टफ टाइम दोगी या हम इसको टफ टाइम दें? अच्छा तो कौन सबसे अच्छा पढ़ता है जो मुझे टफ टाइम देगा? सभी पढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो सही है। क्या अबे तूने जाने दिया उसे? हाँ यार, सुबह से तो तू ऐसा तड़प रहा है जैसे पता नहीं क्या कर देगा यार। इसलिए तो जाने दिया यार, ये मौका था, ये समझ से बाहर है तू यार। अबे यार तुम नहीं समझोगे, अगर अभी बात कर लेता तो उसको मेरे दिल की तड़प पता चल जाती। तो जरा आराम से, थोड़ा संभाल कर, थोड़ा मजे लेके, थोड़े धीरे से, कुछ तड़पा कर कुछ तरसा। सही है, समझ गई, जैसा बेहतर समझ। सोच रहे थे हमारे यहाँ भी कोई ऐसी बच्ची आ जाए तो हमारे घर की रौनक भी बढ़ जाए। भाई सफदर साहब, बात यह है कि हमें अपने बेटे निसार के लिए अलीम भाई की छोटी बेटी बहुत भाई है, और मैं चाह रहा था कि पहले इस बारे में आपसे बात कर लूँ। आपकी भाभी को भी वो बच्ची बहुत अच्छी लगी है। अब हमारा बेटा सर्जन बन रहा है और उसकी ख्वाहिश है कि लड़की भी इसी फील्ड की हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये नताशा आधी रात, और ये लड़का कौन है उसके साथ? वो अपने गेट टुगेदर पे गई थी अपने दोस्त के साथ। अरे कौन सा गेट टुगेदर? वो कहाँ उठती है कहाँ बैठती है, कुछ इल्म है तुम्हारे? बिल्कुल सफदर, मुझे पता है वो अपने दोस्त के साथ गई है, मुझे बता के गई है, मैं आपको बताना भूल गई। बताना भूल गई या छुपा रही है मुझसे? देखो एक बात कान खोल के सुन लो, बेटियों के मामले में बहुत सेंसिटिव, ये कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, माँ होने के नाते तुम्हें इसकी खबर होनी चाहिए। अरे औलाद के मामले में गाफिल मत रहा करो, और जवान औलाद के साथ ये रवैया मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सफदर मैं जानती हूँ उस लड़के को, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, और आप ऐसा मत सोचे कि उनके दरमियान कुछ हो रहा है, they're just friends। कर्तुशीनो, अपनी नकम्मी औलाद की करतूतों पर पर्दा डालना छोड़ दो, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी औलाद क्या करती है पल पल की खबर होनी चाहिए मुझे, ये कहां उठते हैं कहां बैठते हैं कहां जाते हैं, स्पेशली तुम्हारी बेटी, क्योंकि तुम्हारे प्यार लाड ने तो बेटे को पहले ही बर्बाद कर दिया, लेकिन बेटी, अरे कुछ तो अकल करो, कल उसने अपने घर का होना है, क्या जवाब दोगी दूसरों को? जाओ जाकर पता करो वो कहां से आ रही है और किसके साथ थी। आप करें। मैं रिलैक्स, प्लीज, मैं मर नहीं गया, मैं ठीक हूं, जाओ जितना कहा वो करो। Thank you.
रही। फैजान क्या हुआ आपको, उठे? कौन हो तुम, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर जाओ। मैं कहाँ जाऊं? निकलो मेरे कमरे से बाहर, मुझे नहीं पता जहां भी जाओ गो। क्या हो, क्या गया है आप? जस्ट लीव, चलो। समरीन, वो लड़का देखा, काफी देर से हमें देख रहा है। देख तो रही है। ये हमें नहीं, फिजा को देख रहा है और मुसलसल देख रहा है। मैंने कल भी नोटिस किया था, वो फिजा को घूर रहा था। मुझे लगता है इसको हमारी फिजा पे दिल आ गया इसका। फजूल बातें नहीं करो तुम लोग, क्या हो गया तुम्हें? तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देख के कोई भी लड़का तुम पे फिदा हो सकता है। ऐसे पंगों का ना दिमाग दुरुस्त करना मुझे बहुत अच्छी तरह साफ। अभी बताती हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? इसका दिमाग दुरुस्त करने जा रही हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं इन लोगों के मुंह लगने की। मुझे तो वो इसका पक्का आशिक लगता है। ना बदतमीज है, मेरे गुस्से से देखने के बावजूद भी मुसलसल घूरे जा रहे। ऐसे लोगों का ना दिमाग दुरुस्त करना बहुत जरूरी हो रही है। अरे फिजा छोड़ दो, ऐसे लोगों से बात नहीं करते। उसे बात करने का मौका ही मत दो, बिला वजह तमाशा मनेगा। वैसे कसूर उस बिचारे लड़के का नहीं है, तुम्हारी खूबसूरती का है। बस ना यार, यहाँ से चलो, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। बे रहने दे यार, कोई फायदा नहीं है। क्यों? मुझे नहीं लगता तेरी दाल गलने वाली है। जानी तू अपने भाई को जानता नहीं है। बे उसकी नजरें देखी थी, तू उन्हें खा जाएगी तेरे को। बस देखता रहा।